नमस्कार। पिछले वीडियो में जो है एक यूजर का कमेंट आया कि मेरे पास कम पैसा है, क्या हम कम पैसों के साथ स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं? तो देखिए, मेरा आंसर तो है कि हाँ, आप कम पैसों के साथ स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं, लेकिन कम पैसों से ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि अधिकतर लोग जो है कम पैसों से ज़्यादा रिटर्न बनाने के चक्कर में ही यहाँ पर गलती करते हैं। ठीक है, आपको ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट जो है प्रॉपर बिजनेस है और बिजनेस कैपिटल के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसा कैपिटल वैसा बिजनेस, बिना कैपिटल के बिजनेस नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पे लेके तो 1 लाख आएंगे, बट उनको रिटर्न जो है 50 लाख वालों के जैसा चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख है, ठीक है, आप उससे एक सब्जी का ठेला खरीद सकते हैं, और जिसके पास 50 लाख है वो एक ट्रक खरीद सकता है। तो कभी भी एक सब्जी का ठेला लगा के आप ट्रक वालों के बराबर इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे लोग यही करते हैं, उनके पास है तो 1 लाख, बट उनको इनकम 50 लाख वालों के जैसा चाहिए, और इस चक्कर में वो गलती करते हैं, और जो 1 लाख रुपया रहता है वो भी उनका लॉस हो जाता है, और वो फिर मार्केट को दोष देते हैं कि मार्केट जुआ है या सट्टा है या फिर कुछ भी। मतलब अपना गलती नहीं देखते हैं कि हाँ, हम क्या गलती किए हैं जिससे कि वो सीख सकें। आप खुद समझिए कि आपके पास 1 लाख है और किसी के पास 50 लाख है। अगर आप 1 लाख से उतना इनकम जनरेट कर सकते हैं जितना 50 लाख वाला कर रहा है, तो क्या 50 लाख वाला बेवकूफ़ है? वो भी तो आप जो कर रहे हैं वही करके 50 गुना अपना इनकम बढ़ा सकता है, बट उसको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, इसमें आप क्या गलती कर रहे हैं। इस कारण से वो कभी भी एक सब्जी का ठेला लगा के ट्रक के बराबर इनकम जनरेट करने का कोशिश ही नहीं करेगा। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग जो है हमेशा कम पैसों से ही स्टार्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। आप अभी मार्केट को समझने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कम पैसा मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट हमेशा छोटा सैंपल से होता है। जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, तब फिर प्रोडक्ट को मास प्रोडक्शन करके मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सैंपल से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल भी होगा तो बहुत कम लॉस होगा, बस छोटा सा सैंपल से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब सक्सेसफुल हो जाए तो आप बड़ा मतलब मास प्रोडक्शन कर दीजिए, और फिर प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से कुछ टाइम में आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में आप प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं। अगर आप लॉस कर रहे हैं तो उसको सुधारने का कोशिश कीजिए, क्यों लॉस हो रहा है आप एनालाइज कीजिए उसको। ठीक है, एनालिसिस के बाद अगर सुधरेगा तो उसके बाद फिर कैपिटल बढ़ाइए, और नहीं तो आपको अगर लग रहा है कि अब आप इतने कैपेबल हो गए हैं कि आप मार्केट में प्रॉफिट कीजिएगा, तो फिर स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मार्केट जो है 1-2 साल बाद कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, लेकिन नहीं, लोग जल्दबाजी के चक्कर में ज़्यादा अमाउंट लगा देते हैं और लॉस कर लेते हैं। आप ये सोचिए कि अगर आप 1-2 साल समझने में टाइम दीजिएगा तो उसके बाद आप उससे लाइफ टाइम अर्न कर सकते हैं ना। 1-2 साल क्यों आप फालतू में जल्दबाजी कर रहे हैं और ज़्यादा इधर उधर कर दे रहे हैं जिससे कि आपको लॉस होता है? तो पेशेंस रखिए, और ये हमेशा याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि आप अभी नहीं लीजिएगा तो 2 साल बाद वो शेयर बढ़ जाएगा। मार्केट में जो है हमेशा अपॉर्चुनिटी रहता है, चाहे बुल मार्केट रहे या बियर मार्केट रहे। बुल मार्केट के टाइम भी बहुत सारा शेयर ऐसा होता है जो कि आपको सही प्राइस पे सही शेयर आपको मिलेगा, बस आपको वो चीज़ ढूंढने आना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देता है, बस आप पेशेंस रखिए और अपने नॉलेज पे फोकस कीजिए। पैसा मायने नहीं रख रहा है, पैसा तो आप बाद में भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ज़्यादा पैसा ला के अगर आप लॉस कर लिए तो फिर रिकवर करना थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। बाकी आपको कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।